जी देखिए, अभी 25 मार्च को होली पड़ रही है। होली के बाद अगले दिन 26 मार्च को बुध ग्रह मीन राशि से निकल करके और मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो दो तीन राशियों के लिए बहुत फायदेमंद ये साबित होने वाला, चूंकि बुध युवा ग्रह है, कुमार ग्रह है और इनका संबंध व्यापार क्षेत्र से है, बैंक क्षेत्र से है, आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं, कई तरीके का लाभ पहुंचाते हैं। देखिए पहले तो मीन राशि से, चूंकि मीन राशि से निकल के मेष राशि में प्रवेश करें तो मीन राशि को जाते जाते ये फायदा देने वाले हैं, आर्थिक रूप से तरक्की देने वाले हैं और मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं मेष लग्न वालों के लिए फायदेमंद रहेंगे, ये मेष राशि वालों के लिए, उनके लिए भी काफ़ी हद तक अच्छा साबित होने वाले हैं। और एक बुध ग्रह जो स्वामी है वो मिथुन राशि का स्वामी है, तो इस कारण से मिथुन राशि के लिए भी विशेष रूप से प्रभावी रहेंगे, लाभप्रद रहेंगे। अच्छा, किस पे प्रभाव पड़ता है? देखिए ग्रहों का परिवर्तन तो अनेक तरीके से अलग अलग प्रभाव देता है, क्योंकि व्यक्ति की जन्म कुंडली के हिसाब से विशेष रूप से उसका लाभ और नुकसान मिलता है, लेकिन जो मेन तीन राशियां आपकी बन रही हैं मीन मेष और मिथुन, इनके लिए बुध ग्रह काफी हद तक अच्छा साबित होने वाला, अच्छा लाभ प्रदान करने वाला आर्थिक रूप से।